भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक, कोविड तहसील प्रभारी और पूर्व मंडल अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह राठौर, कोविड ब्लॉक प्रभारी मंडल उपाध्यक्ष गौतम गहलोत के द्वारा सिविल अस्पताल में आईसीयू वार्ड की मांग की गई थी, जिस पर सांसद गुमान सिंह डामोर के द्वारा 35 लाख रुपए की राशि आईसीयू वार्ड के लिए स्वीकृत करने हेतु जिला कलेक्टर सौमेश मिश्रा को एक पत्र लिखा गया था। पेटलावल सिविल अस्पताल में आईसीयू वार्ड स्थापित होने से क्षेत्र की जनता के लिए बड़ी उपलब्धि होगी और सिविल अस्पताल की व्यवस्था और सुविधाओं में इजाफा हो जाएगा। इस दौरान कृष्णपाल सिंह गंगाखेड़ी एवं ब्लॉक प्रभारी मंडल उपाध्यक्ष गौतम गहलोत के द्वारा बताया गया है कि सांसद गुमान सिंह डामोर के द्वारा सांसद निधि से पेटलावल सिविल अस्पताल में 35 लाख रुपए की राशि से आईसीयू वार्ड स्थापित किया जाएगा, जो कि क्षेत्र की जनता के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। सांसद निधि से पेटलावल सिविल हॉस्पिटल में आईसीयू बेड की व्यवस्था की जा रही है, किस तरह आप लोगों के प्रयास रहे और किस तरह से एक बड़ी उपलब्धि मिली है? देखिए, कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार संवेदनशील है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी संवेदनशील है और कोरोना में बहुत अच्छे से काम है, इसलिए प्रशासन स्तर पर भी एक समिति बनी है और भारतीय जनता पार्टी ने भी हर तहसील के एक मुखिया और एक समिति बनाई है। मुझे पेटलावल तहसील का प्रभारी यहाँ पर बनाया गया था और सिविल हॉस्पिटल में अनेक प्रकार के बहुत सारे ऑक्सीजन का जो प्लांट भी लगाए हैं वहाँ पर, और जनरेटर, इस प्रकार की व्यवस्था है, एम्बुलेंस आई है। और हमको, हमारी पूरी टीम को, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक के प्रभारी गौतम जी और पूरी टीम को लगा कि यहाँ पर एक 100 बेड का अगर हॉस्पिटल है तो एक आईसीयू होना अनिवार्य है। और ये विषय हमारे सामने माननीय अनुभव विभाग अधिकारी शिशिर गेमावत जी ने भी हमारे सामने रखा था। पहले हमने सोचा कि हम अपने स्तर पर एक वेंटिलेटर कम से कम लगा दें, लेकिन हमने फिर इस बात को, हमारे जब कोविड की जिले की टोली भारतीय जनता पार्टी की, उसके सामने बात रखी, हमारे सांसद जी भी उसमें थे और हमारे सांसद जी बहुत संवेदनशील है इस मामले को, उनको हमने कहा कि एक आईसीयू की हमको व्यवस्था चाहिए पेटलावल में। उनने तुरंत हमें स्वीकृति दी कि जो खर्चा लगेगा आईसीयू के लिए मैं अपनी सांसद निधि से दूंगा और 3 से 4 दिन में अपने 35 लाख का लेटर जारी कर दिया। अच्छा, ये कब तक यहाँ पर आईसीयू बेड की स्थापना हो जाएगी और किस तरह से वो काम करेगा? हमारा प्रयास है बहुत जल्दी हो, क्योंकि यहाँ से लेटर जारी हो चुका है, प्रशासन का काम है उसको बहुत जल्दी जल्दी करवाना है। कलेक्टर मोदी के पास सांसद निधि रिलीज करने के लिए लेटर चला गया है और सांसद जी भी लगातार संपर्क कर रहे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी भी कह रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी करवाया जाए। हमारी कोशिश है 15 दिन महीने में जितना जल्दी हो सके। सांसद निधि से आईसीयू वार्ड की स्थापना होने वाली है, क्या कुछ आप लोगों के द्वारा प्रयास किए गए? सर्वप्रथम जब हमें यहाँ सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ आईसीयू वार्ड की जो आवश्यकता हमें महसूस हुई उसको देखते हुए सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा सांसद जी से अपील की गई कि यहाँ आईसीयू बेड तैयार किए जाएं जल्द से जल्द। उन्होंने हम सभी कार्यकर्ताओं की अपील को स्वीकार करते हुए तत्काल 2 दिन में लेटर पेट कलेक्टर साहब को जारी किया और जल्द से जल्द आईसीयू बेड तैयार हो सके उसके लिए कलेक्टर से अनुरोध किया। इस पूरे आईसीयू बेड के मामले को लेकर कहीं ना कहीं तहसील प्रभारी और ब्लॉक प्रभारी, जो कि यहाँ पे आपकी अहम भूमिका रही, क्या कुछ आपके द्वारा प्रयास किए गए और किस तरह से आपने सांसद महोदय को इसके लिए प्रेरित किया? सर्वप्रथम हमारे तहसील प्रभारी जो हैं कृष्णपाल जी गंगाखेड़ी, इनकी काफ़ी मेहनत रही है इसमें। करीबन 4 बार यह इस आईसीयू बेड के लिए झब्बा गए, सांसद जी से बात की और इनके कहने पर मेरे द्वारा कोटेशन बुलवाया गया और वही कोटेशन बुलवाकर और सांसद जी के समक्ष पेश किया गया और सांसद जी ने किसी प्रकार की देरी ना करते हुए तत्काल जनता के हित में डिसीजन लिया और तत्काल 2 दिन में कलेक्टर महोदय को 35 लाख रुपये का आईसीयू बेड तैयार करने का लेटर जारी किया गया सांसद निधि से। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हैं पेटलावल तहसील की समस्त जनता एवं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता।